हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप बने हो हमारे साथ में, गुरु प्रज्ञा इंटरनेशनल स्कूल के साथ में। हमारे चैनल पे आने के लिए आपका मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। आज अपन शुरू करने वाले जंबल्ड वर्ड्स। जंबल्ड क्या होता है? उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा। कैसे? जैसे वर्ड क्या होता है? वर्ड्स। वर्ड्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था अपन ने, ए मीनिंगफुल वॉइस, ए मीनिंगफुल वॉइस इज कॉल्ड वर्ड। यानी ऐसी वॉइस जिसका कुछ मीनिंग हो, जिसका कुछ सेंस हो, क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। इसी तरीके से सेंटेंस होता है अपना, वो होता है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का एक समूह होता है जिसका कुछ सेंस निकल रहा हो, मीनिंग निकल रहा हो। अगर मीनिंग नहीं निकल रहा हो तो वो कहलाता है उल्टा पुल्टा या जंबल्ड वर्ड। तो अपन को क्या करना होता है? उनको अरेंज करना होता है। अपन ने टेंस में पढ़े थे कि जो सेंटेंस होता है वो किस तरीके से एस वी ओ की फॉर्म में होते हैं। एस क्या है यहाँ पे, थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। एस वी ओ, एस क्या होता है? सब्जेक्ट। ये कोई नाउन हो सकते हैं, ये प्रोनाउन हो सकते हैं। बेसिकली नाउन और प्रोनाउन ही होगा, एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन बेसिक ज्यादातर नाउन और प्रोनाउन होगा। वर्ब, वर्ब टू टाइप की अपन ने बात की थी, किसमें? पार्ट्स को स्पीच में, एक्शन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़े हैं तो हमारी जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर के नाम से, उसमें जाके आप पार्ट्स ऑफ स्पीच या जो टेंस है वो भी पढ़ सकते हो। एक्शन वर्ब कौन से होते हैं? जिनसे वर्क होता है, खाना पीना, खेलना, दौड़ना, ये सारी एक्शन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म, जैसे इज एम आर, वाज वर, और जो मॉडल वर्ब होती है वो भी हेल्पिंग वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट, जिस पर वर्क हो रहा है या इनके अलावा, इनकी नाउन प्रोनाउन और इनके अलावा जो होता है या जिस पर वर्क हो रहा है वो होता है अपना ऑब्जेक्ट या अदर, इसको बोल सकते हैं। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं एम आई सो हैंडसम, एम आई सो हैंडसम, मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब इसको देखा तो मैंने एम आई सो हैंडसम कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, ये कोई सेंटेंस ही नहीं है। यानी कि ये क्या है? उल्टा पुल्टा कर दिया सर ने तो पूरा ही। क्या कर दिया? उल्टा पुल्टा कर दिया सर। तो इसको सीधा कौन करेगा? सीधा करेंगे जंबल्ड वर्ड्स। कौन करेंगे? जंबल्ड वर्ड्स। तो सबसे पहले क्या होता है अपन को पता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। एम क्या है? नाउन है? नहीं है सर। आई, आई हो सकता है सर, सो, सो भी नहीं है। तो आई क्या है हमारे पास? आई है हमारे पास सर, नाउन आ गया हमारे पास, यानी कि सब्जेक्ट आ गया सर। इसके बाद वर्ब, सबसे पहले एक्शन वर्ब देखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। क्या देखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो आई एम, हाँ सर एम हेल्पिंग वर्ब होती है, और कुछ है नहीं सर। तो आई एम हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट सो हैंडसम। हैंडसम क्या है? ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, तो ये क्या है? अब हैंडसम सो, सो हैंडसम सो तो होता नहीं है, सो हैंडसम अपन ने सुना है, क्योंकि अपन नर्सरी क्लास के तो बच्चे हैं नहीं कि हमने कभी सेंटेंस देखे ही नहीं है। सेंटेंस तो अपन रीडिंग करते रहते हैं, यानी कि अगर आपने रीडिंग की है तो आप सेंटेंस बना सकते हो। नहीं, आपको ये ही नहीं पता हैंडसम का मीनिंग क्या होता है, एम का मीनिंग क्या होता है, सो का मीनिंग क्या होता है, तो आप अरेंजमेंट ही नहीं कर सकते। तो आपको रीडिंग आनी जरूरी है और इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो आई एम सो हैंडसम, ये हो गया एक सेंटेंस हो गया, जिसका क्या निकल रहा है? एक मीनिंग निकल रहा है कि मैं बहुत सुंदर हूं।
मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, उल्टा पुल्टा का अपन ने सुलटा कर दिया। क्या कर दिया? सुलटा कर दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे सर हमें भी सुलटा करना है, उल्टी आ रही है, तो आप भी बने रहिए, अभी सुलटे करते हैं। पढ़ रहे थे जंबल वर्ड, तो जंबल वर्ड ओनली 10 मिनट का वर्क है, अगर आपने अभी सीख लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो शुरू करते हैं सिंगल नाउन सिंगल वर्ब एंड सिंगल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से, यानी कि जिनमें सिंगल सिंगल है सब, यानी कि ज्यादा कुछ उल्टा पुल्टा नहीं है। तो इजी वे से शुरू करते हैं, अगर पहले ही अपन डबल वाले सोल्व करने बैठ गए तो कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे। तो पहले करते हैं सिंगल सब्जेक्ट वाले। तो फूड, फूड क्या है? नाउन है। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है? नाउन है। टेकन क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। तो या तो फूड आ सकता है या नाउन आ सकता है। तो अपन ने फूड को रखा, फूड हैव हेल्पिंग वर्ब, फूड रखता है। क्या फूड रख सकता है किसी को? नहीं रख सकता। तो क्या करेंगे? चुका है भी फूड भी कुछ है? काम भी नहीं करता है। तो यू है, तुम्हारे पास है या तुम्हें चुके हो क्या? हैव है, तो थर्ड फॉर्म भी दी हुई है। तो यानी कि हैव ने कुछ ना कुछ काम कर चुका है, तो वो है फूड, यानी कि तुम्हें भोजन ले चुके हो। यू हैव टेकन फूड। बन गया अपने आप ही। क्या किया अपन ने? केवल और केवल नाउन को एडजस्ट किया कि कहां पे अपन को नाउन रखना है, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। उसके बाद गुड थिंग ये इज रिलीजन, तो गुड थिंग भी नाउन हो सकता है क्योंकि वस्तु है, और ये भी नाउन रह सकता है, और इज हेल्पिंग वर्ब है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो रिलीजन सबसे पहले, गुड थिंग इज रिलीजन, अच्छी चीज है रिलीजन, धर्म अच्छी चीज धर्म है, नहीं अच्छी चीज तो और भी हो सकती है। अपन बोले धर्म अच्छी चीज है, हाँ धर्म अच्छी चीज है, यानी कि रिलीजन सबसे पहले आएगा। इज ए गुड थिंग, बन रहा अपने आप ही, क्योंकि अपन को मीनिंग आना चाहिए। मैंने यही बोला था आपको, रीडिंग आनी चाहिए, मीनिंग आनी चाहिए। अगर बोलते कि अच्छी चीज धर्म है, तो ये एक क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जो पॉसिबल नहीं है। रिलीजन इज ए गुड धर्म, गुड थिंग धर्म एक अच्छी चीज है, ये यूनिवर्सल है। तो ये क्योंकि इज आया है, इज किसके लिए आता है? कंटिन्यूस के लिए। कंटिन्यूस नहीं होता तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आता है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद है सेंस हैज नो सी, सेंस हैज नो सी, ये क्या है? सेंस नाउन हो सकता है, ये भी नाउन हो सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये इसको नेगेटिव में रोल दिखा रहा है। तो या तो सेंस आएगा या सी आएगा। तो सी हैज नो सेंस, सेंस नो तो होता नहीं कि वह नहीं रखता है, सेंस नो, सेंस के बाद तो नो आएगा नहीं। अगर नेगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट आता है, क्योंकि अपन ने टेंसेज में पढ़े हैं। अगर आपने टेंसेज नहीं पढ़े हैं तो दोबारा बता रहा हूं, जो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है अपनी, उसमें जाके आप टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओनली 2 आवर्स में टेंसेज, ये सभी सीख सकते हो। तो सी हैज नो सेंस, और अपन ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी तो पढ़े हैं, उसमें भी तो यही बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नो आएगा। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। अब सम आर स्ट्रिक्ट, सम तो नाउन है नहीं, ये भी नाउन नहीं है, ये नाउन है। तो स्ट्रिक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, वर्ब भाई है नहीं यहां पे, तो आर सम, स्वीट आर सम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सम स्वीट आर, सम आर स्वीट हो सकता है सर, यानी कुछ
मीठे हैं या मिठाइयां हैं या ऐसा स्वीट आर सम, ये तो नॉनसेंस वाला हो गया। तो अगर आपको कई बार कंफ्यूजिंग करने के लिए सेंटेंस एकदम से सेम ऐसा का ऐसा दे देता है और आपको कंफ्यूज कर देता है कि इसको चेंज कर दिए, और आप क्या है अपना इंटेलिजेंट अपनी बहादुरी दिखाने के लिए क्या करते हो उसको उल्टा पुल्टा कर देते हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि करना क्या है, तो सम आर स्वीट, कुछ मीठे हैं। द इज इंस्पायरिंग पोइम वीर, तो द तो पहले आएगा, द आएगा यानी कोई चीज है, क्योंकि ये तो है नहीं, तो द आएगा पहले, द के बाद में द इंस्पायरिंग, ये क्या है कंटिन्यूस कंटिन्यूटी बता रहे हैं, यानी इसके बाद में आएगा पोइम, द पोइम क्योंकि नाउन है, द पोइम इज इंस्पायरिंग, वेरी भी तो अपन को डालना है, इंस्पायरिंग वेरी तो डाल नहीं सकते, वेरी इंस्पायरिंग अपन को होता है, पता है अपन को कि वेरी इंस्पायरिंग होता है, तो वेरी इंस्पायरिंग ये हो गया अपना उल्टा पुल्टा का सुल्टा। ये भी अपन ने क्या किया था, अपन ने इजी इजी सेंटेंस पढ़ लिए, तो ये कौन सा सेंटेंस है सर, ये हार्ड सेंटेंस है? नहीं है, ये भी कौन सा सेंटेंस है, इजी सेंटेंस है, जो कि आपको उल्टा पुल्टा को सुल्टा करना आ गया है। तो अपन बात करते हैं नाउन एस वी ओ की, तो एस वी ओ की, तो एस क्या है एन, इंपोर्टेंट से पहले आएगा सही है, प्लेस ये नाउन हो सकता है, म्यूजिक नाउन है, तो या तो म्यूजिक आएगा या प्लेस आएगा, तो प्लेस एन इंपोर्टेंट म्यूजिक और लाइफ इन, तो कुछ सेंस नहीं आ रहा, लेकिन म्यूजिक अपन जब नंबर वन पे लगाते हैं तो म्यूजिक, उसके बाद में हैज, म्यूजिक हैज यानी म्यूजिक रखता है क्या, इज इंपोर्टेंट एक महत्वपूर्ण, क्योंकि मैंने बोला है कि आपको क्या आना चाहिए, आपको मीनिंग आने चाहिए, एन इंपोर्टेंट प्लेस स्थान रखता है, एक इंपोर्टेंट स्थान रखता है, म्यूजिक हैज एन इंपोर्टेंट प्लेस कहां पे, इन ओवर लाइफ, इन ओवर लाइफ, और कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा सर, सारे आ गए किस में आए, केवल और केवल अपन को म्यूजिक का पता चला कि सर म्यूजिक ही अपना सब्जेक्ट है बस, उसके बाद में तो सारे अपने आप ही चले आए, तो आपको केवल यही पता करना है। जैसे सेकंड है अपना सेवन नंबर, गुड बोथ फॉर अर्ली एंड राइजिंग ओल्ड एडल्ट्स, अपन ने देखा कि नाउन कौन है यहाँ पे एडल्ट्स है, और यहाँ पे वर्ब आई हेल्पिंग वर्ब आई इज, यानी एडल्ट्स तो सबसे पहले नहीं आएगा, फिर अपन ने एक 825 में आता है जरेंट, जो होता है राइजिंग, जो भी जरेंट होते हैं उसे भी नाउन बोलते हैं, तो अपना राइजिंग आया, राइजिंग इज, क्योंकि राइजिंग क्या है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ इज आएगा, तो यानी कि एडल्ट अपना नाउन नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो राइजिंग इज गुड, राइजिंग है क्या है अच्छी, राइजिंग क्या है अच्छी है, क्या है अच्छी, राइजिंग इज गुड फॉर, राइजिंग उठना एक अच्छी है किसके लिए, फॉर बोथ दोनों के लिए, दोनों कौन है यहां पे, यहां पे दोनों आए हैं ओल्ड एंड एडल्ट, कौन आए ओल्ड एडल्ट एंड ओल्ड भी लिख सकते हैं, ओल्ड एंड एडल्ट भी ज्यादा सूट कर रहा है, तो अपन लिखेंगे ओल्ड एंड एडल्ट, सब आगे राइजिंग आ गया, राइजिंग इज गुड फॉर बोथ ओल्ड एंड एडल्ट, ये हो गया अपना सिचुएशन नंबर सेवन का आंसर। इसी तरीके से एट का है, गोवा ड्रीम्ड लिव्ड इन आई दैट आई, यानी तीन तीन नाउन है, इस बार थ्री नाउन है अपने पास, गोवा भी नाउन है, आई भी नाउन है, आई भी नाउन है, तो यहाँ पे तो अपन को ज्यादा कंफ्यूज होने की
जरूरत ही नहीं है, आई चाहे ये वाला पहले आओ चाहे आई ये वाला पहले आओ। अब देखना है कि गोवा आएगा या आई आएगा। तो गोवा ड्रीम, गोवा के बाद में आता है ड्रीम्ड या लिव्ड इन। गोवा रहता है क्या? गोवा रह सकता है? गोवा तो कुछ क्या है, प्लेस है। गोवा ड्रीम्ड, गोवा ने सपना देखा, गोवा सपना थोड़ी देखेगा। आई आई लिव्ड इन, मैं रहता हूं, सही है। या आई ड्रीम, मैंने देखा। आई लिव्ड इन गोवा ड्रीम, मैं गोवा में रहता हूँ, सपना देखा, ऐसा नहीं है। मैंने सपना देखा गोवा में रहता हूं, हाँ ऐसा हो सकता है। तो आई ड्रीम्ड दैट, मैंने सपना देखा कि आई लिव्ड इन गोवा, मैंने सपना देखा कि मैं गोवा में रहता हूं, एकदम ही चाहिए सर। अब जो 9 और 10 है ये थोड़े हार्ड है। यू डू लाइक आइसक्रीम, हार्ड क्यों है सर? हमने तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ रखे हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ रखे हैं, और हमें यहाँ देखते ही पता चल गया सर कि या तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले आएगा या हेल्पिंग वर्ड भी पहले आएगी। तो हमने देखा कि इसके अंदर डब्ल्यू एच वर्ड तो नहीं है, तो कौन आएगा सबसे पहले? डू आएगा। अब डू किसके लिए है? प्लूरल के लिए। तो आइसक्रीम तो सर प्लूरल है नहीं, यू प्लूरल है सर। तो यू डू लाइक आइसक्रीम, सर आप तो हार्ड बता रहे थे, ये तो बहुत ही इजी हो गया क्योंकि हमें पता था इंट्रोगेटिव। तो अब है क्वेश्चन नंबर 10। रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड मोहित टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल मी, यानी या तो मोहित आएगा, नाउन मोहित है, या मी है। मी तो क्या है? पजेसिव है। तो कौन आएगा? मोहित ही आएगा सर, मोहित। मोहित ने क्या किया? रिक्वेस्ट की मोहित ने, रिक्वेस्टेड किससे की? मी से की, यानी टू कम मी, रिक्वेस्टेड टू मी, यानी कि रोहित ने, मोहित ने मुझसे रिक्वेस्ट की। क्या की? रिक्वेस्टेड टू मी कम, कम अर्ली एज, अर्ली एज पॉसिबल, यानी मोहित ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आओ जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। मोहित रिक्वेस्टेड टू मी कम एज अर्ली एज पॉसिबल। अभी इसको स्टार लगाया मैंने, स्टार इसलिए लगाया है कि ये जो सेंटेंस है इसके टू सेंटेंस बनेंगे, वो बनेंगे इसी मेथड से और दोनों ही राइट होंगे। तो आप मेरे को इसका आंसर कमेंट में करें, कमेंट में लिखे और फिर मैं बताऊंगा आपका राइट है या रॉन्ग है। तो ये कमेंट करना जरूरी है आपको, अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर उल्टा पुल्टा सुल्टा, थैंक यू।